पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री समेध शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैयावृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिश्य पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC BARB0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 70110 14812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन, श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेर मल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री आशीष जैन समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन राजनाहर चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसी कला मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग का 31वां पावन वर्षा योग 2024, स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगम्बर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंग को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्तिभाव से श्री फल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगम्बर जैन समाज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। बहुत सरल सूत्र है, जब भी तुम्हारी बहू के घर से कुछ आए और बड़े प्यार से रखो, और उससे बड़ा सूत्र है जब उसके पीहर वाले आए तो कहो बहू क्या दिए, देवी दिए, घर में स्वर्ग आ गया। सच बताती तुम्हारा जीवन सुधार देगी। और अपनी बेटियों को, क्योंकि अब बहुओं को नहीं सुधारा जा सकता, वो आधी बूढ़ी पहले ही आती, वो 25-30 साल की पहले ही आती है, 50 के बाद तो घुटने खराब हो जाते, ध्यान रखना। तो कभी भी अपनी बेटियों को ये मत कहना, अपना ख्याल रखना,
क्योंकि आजकल कहती है कि अपना ख्याल रखना, अपना खाना पीना ध्यान रखना, अरे दुआओं का पानी भी दूध का असर करता है। आपको पता होगा तीर्थंकर की माताएं सुप्रभाती से जागती थी, भगवान के स्मरण पूर्वक, सिद्धों का स्मरण पूर्वक जागती थी। और आप सबसे पहले उठकर क्या देखती हो? मोबाइल। बहुत अच्छी बात कही है, सच्चाई ये है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अरे सबसे पहले मोबाइल मत देखो, तुम्हारे हाथ में सिद्ध शिला बनी है, दोनों रेखाओं को मिलाकर सबसे पहले सिद्ध शिला का स्मरण करो। भगवान के निर्वाण कल्याणक तो आते हैं चले जाते, तुम वहीं के वहीं बने रहते हो। और 24 तीर्थंकर हैं, और अंगूठा तुम्हारा आत्मदेव कहता है तुम भी वही शक्ति लेकर आए हो। परमात्मा कहीं प्रतिमा से निकलकर तुम लोग कहते भगवान आ जाओ हमें ले जाओ, हमने कहे तुम्हारे यहाँ कोई जमदूत है क्या भगवान ऊपर से आएगा तुम्हें लेने, यमराज है क्या जो लेने आएगा? सच बताएं राम ना मारे काहू को, ना हत्यारे राम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे का। तुम ये कल्पना मत करना तुम सम्यक दृष्टि हो, अकाल में नहीं मरोगे, तुम सम्यक दृष्टि हो, तुम्हें दरिद्रता नहीं आएगी, विकलांग नहीं होगे, नपुंसक में नहीं जाओगे, और तो और भवनत्रिक में नहीं जाओगे, विकलत्रय में नहीं जाओगे, स्त्रियों में पैदा नहीं होगे। लेकिन मैं कहती हूँ जो स्त्रियों में पैदा हो गई है कोई बात नहीं। आपने देखा पुरुष कभी सेविंग करा कर आता है तो नहाता है, उसमें अभी भी इतनी संस्कृति बची। तुम कभी फेसियल उसियल करा के आती हो नहाती हो? तुम बाल बनवा कर आती हो नहाती हो? अरे बाल तो बाल है, चाहे सेटिंग कराओ। लोग कहते बाल सेट कराने जा रहे हैं, उन्होंने कि घर तो सेट नहीं हो पा रहा, बाल सेट कराने जा रहे, हद हो गई। क्योंकि टीवी सेट हो, सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, लेकिन तुम अपसेट हो, बीबी अपसेट हो, तो सारे सेट बेकार। सबसे पहले ये ज्यादा आप समझ गए, सब लोग आईब्रो बनवाती हैं, मैंने कि मत बनवाओ, अगले जन्म में इतनी मोटी मोटी मिलेंगी कि कुछ असर ही नहीं करेगा। सच बताएं जो परमात्मा से, जो तुम्हारे नाम कर्म के उदय से तुम्हें रूप मिला है, उसे स्वीकार करो और स्वरूप को अच्छा बनाओ। कब तक हम कहते रहेंगे कि हमारे शांतिनाथ ऐसे थे, हमारे महावीर ऐसे थे, हमारे आदिनाथ ऐसे थे, इतने कल्याणक हुए थे, ऐसा हुआ था, इतनी देवियां आई थी। ध्यान रखना पहले तो परमात्मा के पैदा होने के पहले रत्न बरसे थे, अब तो पत्थर भी नहीं बरसते कि मकान बनने के काम में। उनकी देवियां सेवा करने आई थी, माता की त्रिवली भी भंग नहीं हुई थी, और अब तो माँ बेड रेस्ट करेगी तो बेटा का पहलवान पैदा हो। मैं ये नहीं कहती कि किसी को करना पड़े तो तुम कहो कि अरे उसका पाप का उदय नहीं, कोई पाप और पुण्य का उदय नहीं होता है। समय को बर्बाद करना, समय को व्यर्थ की बातों में लगाना पाप है, और समय को सार्थक में लगा देना पुण्य। इतनी सी जीवन की परिभाषा है, ध्यान रखना इतनी सी परिभाषा है। आप यदि सब महिलाएं चाहती हैं, बोलती माता जी एक ही अच्छा, हमने की तीन चार हुए तो कम से कम एक आध तो लायक निकलेगा, अब एक ना लायक निकल गया तो ऊपर से पटकेगा कि नगर पालिका वाला अपने आप उठा के ले जाएगा। तुम लोग खुश मत हो ना, जैसा कि 25 साल पहले लड़कियां नहीं चाहिए थी, हर लोगों को लड़के चाहिए थे, आज कितनी विसंगति हो गई, इससे ज्यादा विसंगति होगी एक और दो संतानों की, रोए मजदूर नहीं मिलेंगे। आने वाले समय में बच्चे डिप्रेशन में जिएंगे, कौन देखेगा उन्हें? इस दौड़ की जिंदगी में कौन देखेगा? खुश मत हो ना माता जी एक है यही पढ़ लिख जाए, हमने कहीं पढ़ लिख जाए, अरे हमेशा दो तो संताने होना चाहिए, एक घर के लिए और एक इस दर के लिए, एक परमात्मा के दर के लिए। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी संत तुम्हारी संतानें साधु बन जाए, लेकिन इस धर्म की परंपरा को 18,000 वर्ष तक चलाना है तो कम से कम तुम्हारा एक अच्छा श्रावक तो बन जाए। तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि इन धर्मात्मा नगरियों में रह रहे हो कि तुम्हारे बच्चे फिर भी संस्कारित हैं, वरना बच्चे मन बच्चे के बच्चों के बाप तक मंदिर में आकर उन्हें ये पता नहीं होता हाथ जोड़े कैसे जाए। लेकिन तुम ज्यादा खुश भी मत हो ना कि माता जी ने कह दिया कि हमें तो हम बहुत अच्छे लोग हैं।
अरे तुम बाहर से बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जिस दिन तुम्हारे चित्त सुंदर हो जाएंगे, मुझे बड़ी खुशी होती जब मंदिरों में आपको इतनी संख्या में देखती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब आपको मंदिर में तो देखती हूँ लेकिन आपके अंदर मंदिर नहीं दिखता है। ध्यान रखना, हमारे दिल बिल्कुल बेईमान हो गए हैं। ओंठों पर भगवान की माला चलती है और अंदर माल की बात चलती है। यहाँ भी लगता है क्या मिल देंगे तो क्या मिलेगा। अरे कम से कम दो काम किसी दूसरों से मत करवाना, प्रेम और परमात्मा की आराधना। प्रेम और पूजा कभी दूसरों से मत कराना, और दिलों में बच्चों को वो संस्कार दो कि यहाँ आकर उन्हें सिर्फ परमात्मा बनने का ख्याल आए। तप करते यो बन गयो द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। जन्म सबको मिलता है लेकिन जीवन किसी किसी को मिलता है। जिन्हें जीवन मिलता है उनकी हम पूजा करते हैं। जन्म तो निगोदिया को भी मिलता है, हमसे ज्यादा जन्म मिलता है। और आप कहते हो कि जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, आप ध्यान रखना इनका जन्म भी सार्थक हो गया। तीर्थंकरों का जन्म भी सार्थक हो जाता है। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, हो जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। अनसन उनोदर व्रत परिसंख्यान रस परित्याग विभिक्त सयासन काय के लिए शादी तुम भी करती हो। जब गुस्सा में रहो तो खाना नहीं खाती हो, लेकिन वो तप नहीं है। पेपर का टाइम होता है या बिजनेस का बहुत अच्छा सीजन चल रहा हो तो थोड़ा बहुत खाकर आप लोग चले जाते हैं, लेकिन वो तप नहीं है। महिलाएं कभी गुस्से में आकर खाना छोड़ दें, वो रस परित्याग नहीं है। पेपर के समय बच्चा पढ़ते पढ़ते सो जाए, ये विविक्त सही आसन नहीं है। लेकिन सबके पीछे प्रेम और अहिंसा है तो समझ लेना तुम्हारे कल्याणक मनाना सार्थक हो गए। और निर्वाण कल्याणक अभी तक तुमने निर्वाह किया है। लोग कहते जीवन काट रहे हैं, निर्वाह ढो रहे हैं। निर्वाह किया गए, निर्माण किया गए, मकानों का निर्माण किया, धर्मशालों का निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण किया, निर्माण किया, लेकिन निर्वाण की कोई तैयारी नहीं की। निर्वाण की कोई तैयारी नहीं की, कोई बात नहीं, घर नहीं छोड़ पाओ तो घर में रहते हुए क्या, घर में मत रहना, अपने अंदर में रहना, परमात्मा की भक्ति में रहना। क्योंकि पुण्य और पाप में यही अंतर है, जो मिथ्या दृष्टि वो परमात्मा के दरबार में ग्रस्ती मांगने आता है, और जो सम्यक दृष्टि है वो परमात्मा के दरबार में भी ग्रस्ती से मुक्ति की भावना भाने आता है। तो आप सब से यही कहेंगी कि अपनी बेटियों को बहुत संस्कार दे के भेजना, क्योंकि आपको पता है फेरों में, छह फेरों में लड़की आगे होती है, सातवें में लड़के को आगे कर देती है। वो कहती है यदि मैं गृहस्थी में रहकर सिर्फ गृहस्थी के काम करूंगी, कोई धर्मानुराग नहीं रहेगा, धर्म प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तो मैं छठ में नरक तक जाऊंगी। लेकिन मैं क्यों अकेले जाऊं, तू मुझे लेके आया है, तू सातवें तक जाना, मैं छठ में तक जाऊंगी। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का पांचवा कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777, IFSC PUNB 00212000। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है, एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रूपए। 11,000 रूपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रूपए, संरक्षक 2,11,000 रूपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रूपए, सदस्यता 21,000 रूपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यिका सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701101481। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PUNB002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 01901333249, IFSC कोड BARB0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रूपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।